नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के कोटली में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए कोटली में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने मंडी में किसान भवन की मुरम्मत के लिए 10 लाख रुपए और पुलिस चौकी कोटली को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। उन्होंने आईटीआई कोटली में 2 नए ट्रेड आरम्भ करने, कोटली में अटल आदर्श पाठशाला खोलने, क्षेत्र में 5 संपर्क मार्गों के लिए प्रत्येक मार्ग को 5-5 लाख रुपए देने तथा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा भी की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के धुआंदेवी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने धुआंदेवी में पटवार वृत्त खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, मंडी में बंदोबस्त कार्यालय खोलने तथा क्षेत्र के पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, रंधाड़ा कोट मसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने समारोह में भाग लेने वाले प्रत्येक महिला मंडल को 15-15 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति निरंतर जारी रहे। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के लोगों के सक्रिय तथा पूर्ण सहयोग को जाता है, जो सरकार के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन का एक स्रोत रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, आपके मंडी शहर का विक्टोरिया पुल जो है शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद ये शुरू ही होना था अगर इसमें हमने इसमें बजट प्रोविजन नहीं किए होते। 20 करोड़ की लागत से उस पुल को बना करके तैयार किया, जिसमें मेजर पोर्शन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जो है हमने उनको पैसा दिया। 15 करोड़ के लगभग पैसा हमने मंडी शहर के अंदर सांस्कृतिक सदन जो देव सदन की तरह यहां पर बनाया जा रहा है, उसका सिर्फ पत्थर लगा था। पत्थर के बाद काम शुरू तो कर दिया था, टेंडर शुरू कर दिया, बजट प्रोविजन कितना था उसका? हम 18 करोड़ रुपए दे करके उसको उस काम को पूरा कर रहे हैं और 18 करोड़ की लागत से मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी, मैं मानता हूं कि इस बार की शिवरात्रि से पहले पहले उसका उद्घाटन करने की स्थिति में हो पाऊंगा। मंडी के अंदर शिव धाम जो प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो 200 करोड़ के करीब जाएगा, वो 150 से 200 करोड़ के लगभग जाएगा और फर्स्ट फेज का काम उसका शुरू किया गया है। ये तो जमीन पर दिखने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो जमीन पर नहीं दिखती हो, इसलिए मैं इन बातों कह रहा हूं। जो जमीन पर दिख रहा हो उसका तो जिक्र हो। यहां पर स्पोर्टी खट का जो चैनलाइजेशन का लगभग 35 करोड़ की लागत से हम उसका प्लान बना करके आगे बढ़ रहे हैं और उसका काम भी हम शुरू करने वाले हैं, उसको करेंगे, हमने बोला करेंगे उसको। ऐसी बहुत सारी है, आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है हमारी लगभग 2 या 3 महीने के अंदर अंदर बनकर के तैयार हो जाएगी। यहां पर मंडी में बहुत बड़ा कैंपस उसका बन रहा है। 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जहां हिमाचल प्रदेश के विकास की अगर हम बात करें, कुछ लोग यहां जिक्र करने की कोशिश बात करने की कोशिश करते हैं कि काम नहीं हो रहा है और हम उन लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। ये कोविड का संकट था जब लोगों के बीच में आने जाने की मनाही थी, लोगों के बीच में हम सभा नहीं कर सकते थे, कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। मैंने वर्चुअल माध्यम से 42 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में किए और 4000 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल कार्यक्रम। हमने कहा ये मालूम नहीं कोविड कब तक चलता रहेगा, हम कब तक रुके रहेंगे, इसलिए काम नहीं रुकना चाहिए। जो उद्घाटन करने के लिए योजना तैयार है उनको उद्घाटन करके हमको समर्पित करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग उसका लाभ ले सके, और जो योजनाएं शुरू करने के लिए हैं उनको शुरू करना चाहिए ताकि वो समय पर पूरी हो सके। अभी थोड़ा ये कोविड का दौर थोड़ा कम हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आजकल निकले हैं अपने काम काज के लिए, ताकि हम क्षेत्र का विकास कर सके, लोगों से मिलकर के बात कर सके। हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से एक भी पंचायत नहीं बनी थी।
हमने अब की बार 412 नई पंचायतें बनाई, जिसमें से 4 पंचायतें आपको बनी, आपकी दुआ देवी एक नई पंचायत बनी है, एक द्रुपल नई पंचायत बनी है, एक डिढाल नई पंचायत बनी है और शायद मेकल में मानथला भी नई पंचायत बनी है। इन चारों पंचायतों के लिए नए भवन की जरूरत पड़ेगी और इसलिए इन चारों पंचायतों को पंचायत भवन के निर्माण के लिए मैं 11-11 लाख रुपए देने की आशा करता हूँ। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 80 करोड़ रुपए की लागत की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए, जिनमें जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत लगधार में 16 करोड़ रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना रोड़ा नाला सताहन, 5 करोड़ 42 लाख रुपए के ग्रामीण विकास केंद्र सतियाणा के भवन और 58 लाख रुपए के पशु औषधालय बीर के भवन का उद्घाटन शामिल है। श्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत तहसील सदर की ग्राम पंचायत बीर बाड़ी, गुमाणु, सदियाणा, कसान, सदोहो और तमरोह में कथियारी तथा समीप के गांव के लिए 18 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना के सुधार तथा संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने नाबार्ड के तहत 5 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत निचला लोट, बग्गी, सहेली, साई व कसान की पुरानी पाइपों को बदलने, एडीबी के तहत 4 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना सतरैन, पतरौन तथा उठाऊ जलापूर्ति योजना रंधाड़ा के सुधार व संवर्धन कार्य, 15 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत भरगांव, कोटली, चनियारा, ऊपरली, सुराड़ी व खलाणु के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना तथा 12 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना चांबी, जोला, झाल, पध्यू, तलियाहड़ व सैन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने RFSLCR मंडी में RTPCR आधारित COVID-19 टेस्टिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने का तय लक्ष्य प्राप्त करने पर सभी को बधाई दी एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के सहयोग व मार्गदर्शन तथा हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग एवं कोरोना योद्धाओं की सराहनीय सेवाओं से ही ये संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से हम शीघ्र ही आगामी लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले राज्य के पैरा एथलीट श्री निषाद कुमार, उनके कोच व परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के बेटे ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। वे उत्कृष्ट कौशल और दृढ़ता वाले एक असाधारण एथलीट हैं। उनकी उपलब्धि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल का एक बेटा निषाद कुमार ऊना जिला के रहने वाले हैं, उनने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमने पहले भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनको तैयारी के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किया था और अब सिल्वर मेडल लेने के पश्चात मैं 1 करोड़ रुपए की राशि घोषित करता हूँ उनको और उसके साथ साथ में आने वाले समय में वो हिमाचल प्रदेश में और लोगों को भी खेल के प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और बहुत बहुत बधाई उनको, उनके परिवार को और जिन लोगों ने उनको खेल के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया उनको भी बहुत बहुत बधाई। श्री निषाद कुमार ऊना जिला के अंब उपमंडल की ग्राम पंचायत कटोहड़ कलां के बदाऊ गांव के रहने वाले हैं। उन्हें हिमाचल गौरव पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रदेश के एक सामान्य परिवार में पले बड़े मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर राज्य के शीर्ष पद पर आसीन होने के बावजूद भी करुणामयी, स्नेहशील और जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। किसी के दुख दर्द में उनका संबल बन जाना मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में शुमार है। आज जिला मंडी के कोटली क्षेत्र के दौरे के दौरान जब श्री जयराम ठाकुर को क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत सहेली में चनौन गांव के निवासी श्री किशन चंद लंबे समय से बीमार हैं, तो वे स्वयं श्री किशन चंद से मिलने के लिए पैदल चलकर उनके घर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने श्री किशन चंद का कुशल क्षेम जाना और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर इलाज के लिए 1,00,000 रुपए स्वीकृत किए। श्री जयराम ठाकुर जरूरतमंद लोगों के दुख दर्द का निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे मुख्यमंत्री राहत कोष और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान कर ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को आर्थिक अभाव के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 444 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 109 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 333 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 31,84,705 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 29,71,100 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 213,262 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 208,088 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,578 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।